हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, नोट ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, चलिए आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए मैं रोड पर चल रहा हूँ तो यहाँ पे कितने ट्रैक होते हैं और पुलिस वाला किस स्थिति में आपको चालान काट सकता है। अगर आपकी रोड पर किस जगह गलती है तो कैसे चालान काट सकता है, क्योंकि दोस्त हमारा चालान एक बार कट चुका है, एक दो बार, कई बार चालान कट चुका है। ऐसे पुलिस वालों ने काट दिया, कैमरे से भी गाड़ी का फोटो आ गया है। तो सऊदी में दोस्त, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैमरे चलाना है कैसे काटते हैं। तो दोस्त चलिए, समय न बर्बाद करते हुए आपको बताता हूँ। जिसे दोस्त आप अपने यहाँ चलते हैं, वैसे यहाँ पे रोड होता है। देखिए यहाँ पे जो दोस्त रोड देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं रोड जो उस साइड में, देखिए वो पीली पट्टी बनी है, देख रहे हैं। देखिए दोस्त, जैसे ये वाली पीली पट्टी बनी है, ये देखिए, ये वाली पीली पट्टी बनी है। पीली पट्टी की साइड में इतनी जगह छूटी है और उस साइड में देखिए वो पीली पट्टी बनी है, पीली पट्टी थोड़ा सी जगह छूटी है दोस्त। इसके बीच में देखिए दो ट्रैक है। इसके बीच में दोस्त ये ट्रैक ये है, वो देखिए बीच में वो सफ़ेद है, उसके बाद दूसरा ट्रैक है दोस्त। तो दोस्त आप लोग से ये सोचते हो, ये पीली पट्टी जो बनी है, ये पीली पट्टी किस लिए बनी है दोस्त? ये इमरजेंसी के लिए बनी है। मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, इधर की एम्बुलेंस जा रही है, इधर की एम्बुलेंस जा सकती है, गाड़ी में कहीं आग लग गई है, फायर ब्रिगेड इधर की जा सकती है, इधर से पुलिस वाले जा सकते हैं, ठीक। और इसी कहीं है तो फिर आपको राइट जाना हुआ तो राइट जा सकते हैं, इसके बाद मुश्किल होती है तो पता है। तो दोस्त जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बैरियर लगे, क्योंकि यहाँ पे पूरा एकदम रोड खाली है। देखिए रोड लोकल रोड है दोस्त, और उस साइड में देखिए वो पट्टी बनी हुई है, सीमेंट की रखा हुआ है, प्लसर के, ओ दोस्त पेंट भी किया हुआ है। तो दोस्त अगर इस साइड में पीली पट्टी की साइड में अगर हाईवे पे चलेंगे, पुलिस वाला आपको देख लिया इस साइड में, अगर आप पीली पट्टी का अगर इस साइड में आप हाईवे चल रहे हैं, पुलिस वाला आपको देख लिया, तो दोस्त आपको रुका के आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट नंबर खींच लेगा, आपको चालान काट देगा। और उस साइड में अगर चल रहे हैं फिर भी आपका चालान काट देगा, पीली पट्टी की उस साइड में दोस्त, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा उधर जगह दिख रहा है आपको, थोड़ा सा कम जगह छूटी है। और अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो उसमें जितना इधर जगह छूटा है सेम उतना भी उधर जगह छूटी रहता है, थोड़ा छोड़ा रहता है, क्योंकि दोस्त वो चीज़ इमरजेंसी के लिए होती है, पुलिस को आने जाने के लिए, कहीं कोई मुश्किल हो गया, एम्बुलेंस के हुआ, फायर ब्रिगेड के लिए हुआ, आग बुझाने वाला, तो उसे दोस्त जगह छूटी रहती है। तो मैं एक बार गलती कर दिया था कि हाईवे रोड था, मैं इसी पीली पट्टी से, क्योंकि तो इस रोड पे जाम लगा था, बहुत जाम था, भीड़ थी हाईवे पे। तो यहाँ पे दो ट्रैक है, लेकिन हाईवे यहाँ पे दो ट्रैक है, एक दो दो ट्रैक है दोस्त, लेकिन हाईवे पर जाएंगे तो चार ट्रैक पाँच ट्रैक ऐसे मिलेगा, और पीली पट्टी को छोड़ के चार ट्रैक मिलेगा, पाँच ट्रैक मिलेगा। तो दोस्त मैं ये पीली पट्टी की साइड में जल्दी जल्दी के चक्कर में मैं निकाल लिया दोस्त। तो पुलिस वाला पीछे से आया, मुझे हॉर्न दिया, गाड़ी साइड में लगाया, और उसने मेरा आईडी कार्ड लेकर के, तो दोस्त उसने मेरा आईडी कार्ड लेकर के और जो मेरा चालान जो है काट दिया मेरे आईडी नंबर पे। तो इसलिए दोस्त ये वीडियो बनाने का मकसद ये हमारा है कि अगर आप जाने रहें, क्योंकि मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ गूगल से रिलेटेड, कि सऊदी मान लीजिए हमारा चालान कटा जितने का भी, तो इंडियन रुपीज कितना रुपये होता है, इंडियन कितना रुपीज होता है। तो दोस्त इसलिए मैं आपको बताऊंगा यहाँ का रियाल, तो आप वहाँ पर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस भाई के पास मेरा मोबाइल है दोस्त। अगर आपने दोस्त सऊदी के एक रियाल और इंडिया कितने रुपये बनता है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर वीडियो देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, मैं क्या समझाना चाहता था, समझ में आया कि नहीं समझ में आया दोस्त, कमेंट करके आप बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर वीडियो दोस्त आपको जानकारी भरपूर लगा हो तो और दोस्तों के पास भी शेयर करिए। और चलिए इसी के साथ लेता हूँ आपसे इजाज़त, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।